सो हाई एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कोड बेस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे कि सी में सिंटेक्स क्या होता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि सी का स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे कि मान लो कि ये हमारा सी का अगर कोड है तो इस सी कोड का कोई ना कोई एक स्ट्रक्चर है, जैसे कि ये जो है ये हमारा एक प्री प्रोसेसर कमांड है जिसके हेल्प से हम लोग एक हेडर फाइल को यू नो इंक्लूड कर रहे हैं, राइट। फिर ये हमारा मेन फंक्शन है जहाँ से हमारा कोड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है, ये हमारा प्रिंटिव फंक्शन है ये पूरा, राइट। तो ये इसका काम है कि टर्मिनल पे आउटपुट करना, ये फिर एक एक्सप्रेशन है या फिर स्टेटमेंट है जिसका काम है कि फंक्शन को रिटर्न वैल्यू रिटर्न करना, राइट। जैसे कि इस केस में मेन फंक्शन जो है वो जीरो को रिटर्न करा, राइट। तो ये हम लोगों ने रेसिपीज डिस्कस की, जो कि फंक्शन है, वेरिएबल्स है, कमेंट्स हो गया, प्री प्रोसेसर कमांड हो गया, राइट। तो ये सारे रेसिपीज हैं सी कोड के। इन सभी रेसिपीज को मिला के हम लोग कोड लिखते हैं सी लैंग्वेज में, लेकिन इन रेसिपीज के अलावा हम लोगों को कुछ ना कुछ रूल्स को भी फॉलो करना है कि आखिर हम लोग को लिखना कैसे, राइट। तो ये जो हम लोगों ने टेक्स्ट लिख रखा है, मतलब मेन क्या है, एक वर्ड है, फ्रेज है, इंग्लिश है, राइट, इंग्लिश वर्ड है या फिर टेक्स्ट है, राइट। तो इस टेक्स्ट को मैंने कुछ रूल के हिसाब से लिखा है, तो फिर कंपाइलर के थ्रू ये कंपाइल होकर मशीन लैंग्वेज में चेंज हो रहा है। लेकिन अगर हम उस रूल्स को फॉलो ना करें तो वो जो है वो कंपाइलर हम लोग को एरर देगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग एक और फाइल यहाँ पे बनाएंगे, न्यू फाइल, चूँकि ये फिफ्थ वीडियो है तो हम लोग tut5.c के नाम से एक फाइल बनाएंगे, राइट। और फिर हम लोग लिखते हैं अपना सी का कोड के, तो देखते हैं। तो देखो, पहले भी कोई भी अगर हम लोग हेडर फाइल को इंक्लूड करना चाहते हैं तो वो स्टार्ट होता है हैश से, राइट। तो ये रूल है, रूल मतलब सिंटेक्स है भाई, ऐसा करना ही करना है, राइट। तो तुम्हें फिर हैश इंक्लूड लिखना है, तो हैश इंक्लूड हमने लिखा कि मैं एक हेडर फाइल को इंक्लूड करना चाहता हूँ। अब तुम्हें उस हेडर फाइल का नाम देना है, राइट। वो नाम तुम्हें देना है ग्रेटर और लेस देन के बीच में, जैसे कि हेडर फाइल का नेम है stdio.h। तो ये ऑटोमेटिक VS कोड ने सजेशन दिया कि ये हेडर फाइल एग्जिस्ट करता है इस नाम से, तो आप इसी को यूज़ कीजिए। तो हमें भी stdio.h ही यूज़ करना है, राइट। तो ये मैंने इंटर हिट किया, राइट। तो ये हमारा हेडर फाइल इंक्लूड हो गया, राइट। अब फिर अगर हमें कोई भी फंक्शन को करना है तो पहले हम लोग उसका रिटर्न वैल्यू लिखते हैं, राइट। तो कोई भी हम लोग फंक्शन अगर लिख रहे हैं, अगर उसका रिटर्न वैल्यू इंटीजर होता है तो हम लोग इंट लिखते हैं, राइट। इंट मेन, ये हमारा फंक्शन का नेम हो गया, और मेन जो है वो फंक्शन का नेम हो गया, और फंक्शन के नेम के बाद हम लोग ओपन और क्लोज पैरेंथेसिस देते हैं, ये रूल है, राइट, ये सिंटेक्स है। फिर इंटर हिट किया, नेक्स्ट लाइन से मैंने कर्ली ब्रेसेस लाया और इसको इंटर हिट किया। तो अब जो भी हमारा फंक्शन का जो भी कोड होगा, जो भी मेन फंक्शन का कोड होगा, वो हम लोग इन दो कर्ली ब्रेसेस के बीच में लिख रहे हैं, राइट, इसके बाहर नहीं। मीन्स अगर हमारा कर्ली ब्रेसेस 4 और 6 में है तो हमारे सारे जो भी मेन फंक्शन में हमको लिखना है वो कोड 4 और 6 के बीच में ही रहना चाहिए, राइट। फॉर एग्जांपल अब अगर हम एक और प्रिंटेफ फंक्शन लिखते हैं तो हमें प्रिंटेफ फंक्शन दिया और फंक्शन के बाद हम लोग को पैरेंथेसिस देना है, और पैरेंथेसिस के अंदर अगर हम लोग प्रिंटेफ फंक्शन से कुछ प्रिंट करना चाहते हैं तो वो वैल्यू हम लोग को डबल कोट्स के अंदर देना होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर हमें प्रिंट करना है कि राइट नाउ आई एम लर्निंग सिंटेक्स इन सी लैंग्वेज, राइट, तो ये हमारा हो जाएगा, राइट। लेकिन एक नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट रूल ये है कि हर एक लाइन के एंड में तुम्हें सेमी कॉलम देना ही है, राइट। तो ये एक सिंटैक्टिकल रूल है कि सेमी कॉलम होना ही चाहिए हर एक लाइन के एंड में, बस। लेकिन अगर फंक्शन का डिक्लेरेशन हो या फिर कर्ली ब्रेसेस हो तो उसके एंड में हम लोग सेमी कॉलम नहीं देते हैं इन केस ऑफ फंक्शन, राइट। तो ये रूल है हमारा। नेक्स्ट लाइन में अगर आए तो हम प्रिंटेफ एक और वी आर कोडिंग विद रुपेश, राइट। तो ये हो गया और हम लोगों ने फिर सेमी कॉलम दिया, राइट। अब हम लोग रिटर्न करते हैं, तो रिटर्न एक कीवर्ड है जिसका अर्थ हुआ कि हम लोग फंक्शन
का जो भी रिटर्न टाइप है वो हम लोग रिटर्न कर रहे होंगे। तो फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है वो इंटीजर है, तो हम इसलिए हम लोगों ने जीरो दिया, जीरो एक इंटीजर है राइट। और इसका भी जो एंडिंग होगा वो सेमी कॉलम से होगा राइट। तो ये हो गया हमारा पूरा एक बेसिक सा कोड का सिंटेक्स। सिंटेक्स में हम लोगों ने देखा कि हम लोग को कैसे प्री प्रोसेसर के कमांड्स लिखना है, फिर हम लोगों ने देखा कि कैसे मेन फंक्शन को लिखना है, और फिर प्रिंट एफ और फिर सेमी कॉलम का कहाँ पे यूज़ है, तो हम लोगों ने ये सब देखा राइट। तो यही बेसिक सा है राइट सिंटेक्स। तो राइट तो ये जो कोड है ये हम लोगों ने सी लैंग्वेज का सिंटेक्स का जो भी रूल्स है हम लोगों ने उसको फॉलो करते हुए एक बेसिक सा सी लैंग्वेज में कोड लिखा राइट। ओके ओके, तो अब हम लोग इस कोड को कंपाइल करना है राइट। तो इस कोड को कंपाइल करने के लिए जैसा कि पहले इसको साफ करते हैं, तो हम लोगों ने देखा था कि सिंपल सा एक कमांड है जीसीसी, जीसीसी एक कंपाइलर है। मेरा फाइल का नाम ट्यूट फोर नहीं ट्यूट फाइव डॉट सी है, मैंने इंटर हिट किया तो देखते हैं कि कोई एरर है कि नहीं। तो या अभी ये जो आया वो एरर इसलिए आया कि मैंने इस फाइल को अभी तक सेव नहीं किया। तो डू नोट, कंपाइलेशन से पहले आपको फाइल को सेव करना है, कैसे, कंट्रोल एस से। तो ये हमारा सेव हो गया। अब टर्मिनल पे या तो आप यहाँ से आ सकते हैं न्यू टर्मिनल या करना, तो ये हो गया रे। और फिर अब आप इसको क्लियर कर देते हैं सी एल एस कमांड से, आपका टर्मिनल न्यू आ जाता है रे। तो अब हम लोग इसको कंपाइल करेंगे, तो ट्यूट फाइव डॉट सी ये मेरा फाइल नेम था और ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं आया। अब हमारा ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है, इसको हम लोग रन कर रहे हैं, इसका आउटपुट देखते हैं। तो आउटपुट ध्यान से देखो, आउटपुट है हेलो राइट नाउ आई एम लर्निंग सिंटेक्स इन सी लैंग्वेज। फिर उसके बाद डायरेक्टली आया हाय वी आर कोडिंग विद रूपेश राइट। तो ये जो दो आउटपुट था ये दो प्रिंटेड स्टेटमेंट्स का आउटपुट है, लेकिन ये कुछ हॉचपॉच हो गया ना, तो इसे अगर हम चाहते हैं कि ये न्यू लाइन में है, तो एक हमारा सिंपल सा जो रूल है वो है बैक स्लैश एन। तो बैक स्लैश एन से क्या हुआ कि ये न्यू लाइन आ जाएगा, मतलब प्रिंट एफ ये जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होने के बाद न्यू लाइन में आएगा, और फिर ये प्रिंट एफ एग्जीक्यूट होगा, फिर इसका जो आउटपुट होगा वो प्रिंट होने के बाद न्यू लाइन पे आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अब ओके सो फिर से हम लोग इसको सेव करना है, फिर से अगर हम लोग इसको कंपाइल करते हैं तो जी सी सी टू फाइव डॉट सी कोड फाइन है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे ए डॉट ई एक्स से रन करते हैं। तो अब तुम ध्यान दो कि यहाँ पे अभी ये न्यू लाइन में आ रहा है दोनों सेंटेंस। तो बेसिकली बैक स्लैश एन का काम यही है राइट। तो ये सारे रूल्स है राइट का प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। ओके तो ये हमारे कुछ बेसिक से रूल थे, सिंटैक्टिकल रूल था जिसको हमको फॉलो करना ही करना है। अब मान लो अगर हम लोग यहाँ से हैश को हटा दिए तो ये कलर चेंज हो गया, तो जब भी कलर होता है ना तो तुमको आइडिया होगा कि ये एरर हो गया राइट। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने हैश को हटाया तो अभी कलर चेंज हो गया। अब इसको सेव करते हैं और फिर से इसको कंपाइल करते हैं, तो कंपाइलेशन में एरर आया कि एक्सपेक्टेड इक्वल टू स्लैश सेमी कॉलम और एट्रीब्यूट बिफोर दिस। तो ये मतलब कुछ कह रहा है, मतलब कंपाइलर ने तुम्हारे कोड को रिजेक्ट किया कि भाई देखो तुम्हारा जो कोड है वो सिंटैक्स के हिसाब से नहीं है, कुछ ना कुछ एरर है, तो हम इस कोड को मशीन लैंग्वेज में चेंज नहीं कर पाएंगे, इसीलिए तुम अपने कोड को फिर से रिव्यू करो, एरर को फिक्स करो राइट। तो अभी जो एरर दे रहा है तो कंपाइलर जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि कुछ आपने टोकन छोड़ दिया राइट। तो यहाँ पे कंपाइलर थोड़ा सा अंदाजा कर रहा है कि मतलब क्या वो इक्वल टू हो सकता है या फिर कॉमा हो सकता है या फिर सेमी कॉलम भी हो सकता है राइट। और वो लोकेशन भी आ रहा है कि कहीं इसी लाइन में है राइट। तो हम लोग को आइडिया है कि यहाँ पे हैश टैग होना चाहिए, मतलब हैश होना चाहिए, तो हैश इंक्लूड और इसके बीच में स्पेस होना चाहिए राइट। तो ये हो गया राइट। तो ये इसके बीच में हैश होना चाहिए, तो ये अब सही हो गया। अब अगर करते हैं तो ये हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो रहा राइट। अब अगर हम सेमी कॉलम को हटा दें यहाँ से, तो सेमी कॉलम हटा दें। अब अगर फिर से हम लोग करें, इसको साफ करते हैं, इसको अगर फिर से कंपाइल करें तो अब एरर आ रहा है। अब एरर कुछ मतलब अच्छा वाला आ रहा है। देखो क्या रहा है कि एक्सपेक्टेड सेमी कॉलम बिफोर प्रिंट एफ, मतलब कंपाइलर ये फिगर आउट करने में सक्सेसफुल रहा कि एक्चुअली में एरर है कहाँ राइट। तो एरर को पढ़ते ऐसे हैं कि
यहाँ पे ट्यूट 5.cr, राइट। तो ये जो है ये 5:67 जो है वो ये कह रहा है कि आपका जो एरर है वो लाइन नंबर 5 में है और 67th कैरेक्टर पे है, राइट। और वो लाइन जो है ये है, और कंपाइलर कह रहा है कि अगर आपको फिक्स करना है तो मे बी आप यहाँ पे सेमी कॉलन मिस कर रहे हैं, तो जो कि आप मिस सही में कर रहे हैं, राइट। अब आप सेव कीजिए, फिर से कंपाइल कीजिए, तो ये कंपाइलेशन सब सक्सेसफुल हो गया, राइट। तो ये सारे रूल्स हैं जो आपको फॉलो करना ही करना है, ये सिंटैक्टिकल है सी लैंग्वेज के, राइट। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट आर द रूल्स दैट वी हैव टू कीप इन माइंड इन ऑर्डर टू राइट द सी लैंग्वेज, राइट। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे कि वेरिएबल्स क्या होता है और डेटा टाइप्स क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो से इम्पॉर्टेंट सी लैंग्वेज के टॉपिक्स डिस्कस कर रहे होंगे, राइट। ओके, सो आज के इस वीडियो में इतना ही।